Hello everyone, here is another video of exercise 2.4. Let's get start. Question second is, use factor theorem to determine whether gx is a factor of px. Px means polynomial in x in each of the following cases. इसमें हमें फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना है और आपके पास एक px और gx होगा और आपको फाइंड आउट करना है कि वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ दिस px और नॉट. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, सिमिलरली हमें यहाँ भी करना है. तो gx हमें क्या दे रखा है, इस बार x प्लस वन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, gx को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा, ठीक है, और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो यहाँ से अगर हम सोल्व करें x के लिए, तो x किसके इक्वल आएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का वन, ठीक है. तो अब गिवन पॉलिनोमियल px के अंदर हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे माइनस वन से और चेक करेंगे अगर ये सोल्व करने से जीरो आता है तो हमारा जो x प्लस वन यानी जो gx होगा वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है. तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस वन, तो यहाँ क्या आएगा, टू ऑफ माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, सॉरी इधर क्यूब था, यहाँ स्क्वायर, माइनस टू टाइम्स ऑफ माइनस वन माइनस वन, ठीक है. अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस वन की पावर थ्री यानी माइनस वन आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का टू, माइनस वन का स्क्वायर इज प्लस वन, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस वन, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया, प्लस का टू, और ये क्या आ गया, माइनस का वन, ठीक है. तो माइनस टू से प्लस टू कैंसिल आउट एंड प्लस वन से माइनस वन कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया, जीरो. इसका मतलब जो हमारा जी एक्स है एक्स प्लस वन, वो फैक्टर हो जाएगा किसका, पी एक्स का. और आप इसको कैसे लिखोगे, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ओके. सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, एंड जी एक्स क्या है हमारे पास, एक्स प्लस टू. तो अब क्या करेंगे, जी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो इससे क्या आएगा, एक्स प्लस टू को किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरो से, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का टू, ठीक है. अब यहाँ पी एक्स के अंदर हमें एक्स को रिप्लेस करना है माइनस टू से, तो क्या करेंगे, पी एक्स यानी पी ऑफ माइनस टू को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टू का होल क्यूब प्लस थ्री टाइम्स ऑफ माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स ऑफ माइनस टू एंड दिस इज प्लस वन, ठीक है. अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, टू टू ज़ार फोर टू ज़ार एट आ गया, माइनस का क्यूब है यानी माइनस, प्लस थ्री टाइम्स ऑफ माइनस टू का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वन प्लस हो जाएगा और टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर, तो फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व, ठीक है. हियर थ्री टू ज़ार सिक्स विद नेगेटिव साइन, प्लस का वन, ठीक है. ये क्या आ गया, एट एंड सिक्सटीन, एट एंड सिक्स कितना आ गया, माइनस, दोनों माइनस के साइन है, तो क्या आएगा, माइनस का फोर्टीन, और ये क्या है, ट्वेल्व प्लस वन, ये क्या आ गया, थर्टीन. तो माइनस फोर्टीन प्लस थर्टीन किसके इक्वल आ गया, माइनस का वन. ये ज़ीरो नहीं आया ना, इसका मतलब जो जी एक्स है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है. जब भी आपको फैक्टर के लिए देखना है तो हमें क्या करना है, जी एक्स पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उस एक्स की वैल्यू को हमें पी एक्स पॉलिनोमियल में पुट करना है और फिर चेक करना है, अगर जीरो आ रहा है सोल्व करने पे तो वो उसका फैक्टर बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है. थर्ड पार्ट करते हैं. देखिए थर्ड पार्ट विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस सिक्स एंड जी एक्स इज एक्स माइनस थ्री. तो जी एक्स को अगर हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू ये इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का थ्री. तो अब हमें एक्स की, एक्स को रिप्लेस करना है थ्री से, ठीक है. तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी ऑफ थ्री इज इक्वल टू थ्री की क्यूब माइनस फोर टाइम्स ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स, ठीक है. सिंपल कैलकुलेशन है, बस आपको कैलकुलेशन अच्छे से सोल्व करनी है. ये क्या आएगा, थ्री थ्री ज़ार नाइन, थ्री ज़ार ट्वेंटी सेवन, माइनस थ्री थ्री ज़ार नाइन, फोर ज़ार थर्टी सिक्स, प्लस ये कितना आ गया, नाइन, ठीक है. 27 प्लस 9 इज 36, ओके, एंड दिस इज माइनस 36. 36 माइनस 36 इज जीरो. तो जी एक्स पॉलिनोमियल को पी एक्स में पुट करने से हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है. इसका मतलब जो जी एक्स होगा, जी एक्स इज अ
वेक्टर ऑफ px, ठीक है, ठीक है, px का फैक्टर बन जाएगा gx। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।